वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी आमना। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही मज़े की होने वाली है, आप लोगों के मतलब की होने वाली है, गोरे जितने होने वाली है। तो जी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज की वीडियो जो है वो फेशियल से रिलेटेड है, कि आप लोग घर में अपना फेशियल कैसे कर सकते हो, कैसे आप लोग ईद पे, शादी या किसी भी फंक्शन पे जाने से पहले आप लोग ये फेशियल करो और गोरे चिट्टे हो जाओ। क्योंकि हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जुनून ही गोरा चिट्टा होना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करना ताकि आप लोगों को हर मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो जी बात कर लेते हैं इस गोल्ड फेशियल पैक की। ठीक है, कलर से गोल्ड लग रहा है क्योंकि इसका नाम जो है वो गोल्ड फेशियल के तौर पर इन्होंने दिया है। ग्लैमरस वालों का है, ठीक है, ग्लैमर ग्लो का, ठीक है, ग्लैमरस नहीं, ग्लैमर ग्लो का है। ठीक है जी, इस तरह से पैकेजिंग में आता है, ट्रांसपेरेंट से इसकी पैकेजिंग है। ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर 6 स्टेप हैं। ठीक है, आप लोगों को 6 बॉटल्स मिलेंगी इसके अंदर, लाइक मिलेंगी तो 7, लेकिन स्टेप इसके 6 हैं, क्योंकि एक जो है इसका डेवलपर है जिससे आप लोगों ने करनी है अपनी फेशियल की, जो सबसे पहला स्टेप होता है ब्लीच, वो करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटी छोटी इसकी बॉटल्स हैं, इतनी भी छोटी नहीं है कि मतलब देख सकते हो कितनी सी हैं। ठीक है जी, ठीक है, इस तरह से ऊपर इसका नेम मेंशन है। ठीक है, फेशियल जो है बहुत ही गोल्डन फेशियल के नाम से ऊपर इसके मेंशन है। ठीक है, और आप लोग इसके ऊपर पढ़ सकते हो। फर्स्ट जो है इसका हमारे पास आ जाता है डेवलपर, इस तरह की बॉटल में है। अब इसकी जो यार सबसे अच्छी और बुरी बात जो है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। सबसे पहले हम लोग बुरी बात बताते हैं, वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना, अच्छी बातें भी बताऊँगी। बुरी बात यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे बनी है, कुछ मेंशन नहीं है, एक्सपायरी मेंशन नहीं है, सबसे बड़ा मसला। ठीक है, अच्छा ये देख लो जी, जो फर्स्ट स्टेप है ये आ गया, क्रीम ब्लीच आ गया। ठीक है, ग्लैमर ग्लो के नाम से है ये। पीछे आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ सकते हो, ये क्लेम करते हैं कि आपकी स्किन को बर्न नहीं करता और इसके अंदर कोई केमिकल जो है और हार्मफुल जो है कोई केमिकल्स नहीं ऐड किए गए। ठीक है, तो ये तो यूज़ करने के बाद पता चलता है। ठीक है जी, और ये देखो फर्स्ट स्टेप आ गया इसका जो है ये क्लीन ब्लीच का है, जो आपने पहले ब्लीच करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है इस तरह से गोल्डन सी अंदर से जो है आप लोगों को इसकी क्रीम मिलेगी। ठीक है, ये क्लींजर है और गोल्ड कलर का है, इसका एक यही प्रोडक्ट है जो सिर्फ गोल्ड कलर का है अंदर से इसका लिक्विड, अदरवाइज बॉटल सबके गोल्डन है लेकिन प्रोडक्ट अंदर से गोल्डन नहीं है। ठीक है जी, सेकंड स्टेप है क्लींजर, क्लींजर जो है वही उसी तरह ब्लीच करने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरह अपना फेस वॉश कर लें, फिर क्लींजिंग करें 5-7 मिनट तक, हल्के हाथ से पानी लगाकर उस तरह से क्लींजिंग करें। ठीक है, फिर मुंह वॉश कर लें। अब हमारे पास आता है जी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देख लो इस तरह से है, मसाज क्रीम है, जबकि मैं प्रेफर नहीं करती मसाज क्रीम को थर्ड नंबर पे, क्योंकि मैं और वैसे भी हर पार्लर वाले भी इस तरह करते हैं और मैं भी इस तरह करती हूँ कि जो मसाज है वो मैं सेकंड लास्ट स्टेप करती हूँ। तो जी इन लोगों ने थर्ड स्टेप में मसाजर दिया हुआ है, मसाज क्रीम दी हुई है, इस तरह से वाइट और हल्की सी इस तरह न्यू टाइप इसका कलर है। ठीक है, और बाकी इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, सेम वही पैकेजिंग है, प्लास्टिक जो है के कंटेनर्स का कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नॉर्मल सा है बट गुड है। ठीक है, अच्छा अगर किसी एक बंदे ने यूज़ करना है तो ये वाला फेशियल जो है आराम से 6-7 महीने आप लोगों को निकल जाएगा, अगर आप मेरी तरह करते हो तो साल भी निकल जाएगा कम। ठीक है जी, स्क्रब आ गया, स्क्रब के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल बारीक वाले पार्टिकल्स कह लो तो उस तरह भी नहीं है, लेकिन स्क्रब है तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेप इसका स्क्रब है, तो स्क्रबिंग करेंगे उसी तरह पानी लगा के हल्के हाथ से स्क्रबिंग करनी है आप लोगों ने। तो जी इसका फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक है, अब फाइव स्टेप की तरफ आ जाते हैं। फाइव में क्या है, ओहो हो वहाँ तो गिर गए भाई, वो टूट पाड़ मतलब कि मार धार चल रही है। अच्छा स्किन पॉलिश है अब। ठीक है, फाइव नंबर पे आ जाती है स्किन पॉलिश। ठीक है, स्किन पॉलिश जो है आप लोग अपनी फोर नंबर पे रखें और फाइव नंबर पे हम मसाज रखते हैं। मैं अगर इस तरह करूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ। ठीक है, तो स्किन पॉलिश आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग वैसे भी कभी वीक में एक बार स्किन पॉलिश करना चाहते हो तो इसको आप लोग ने सिंपली ब्रश से अप्लाई करना अपने फेस पे, 5-7 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद फेस वॉश कर लें। ठीक है, अंदर से दिखा देती हूँ, सेम वही कलर है, वैसी ही थिक सी क्रीम है। ठीक है, अब जी 6 नंबर वाली क्रीम मैं आपको दिखा देती हूँ जी। ये देखें मास्क है। ठीक है, तो मास्क आप लोग देख लें, मास्क हमेशा लास्ट में लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा इसका मास्क है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, फ्रेग्रेंस इस सारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब बहुत ही लाइट और सटल सी है कि मतलब बुरी नहीं लगती और इस तरह से गंदी सी नहीं है। ठीक है जी,
तो जी अब बात कर लेते हैं कि जी मुझे फेशियल कैसा लगा, इसके रिजल्ट कैसे हैं। तो रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं यार, नो डाउट। सबसे बुरी बात मुझे जो लगी थी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी कि यार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस वो नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, कब बनी है कुछ पता नहीं, कहाँ बनी है कुछ पता नहीं, एक्सपायर कब होगी कुछ पता नहीं, तो इस तरह से है। बाकी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो daraz.pk पे अवेलेबल है, आप लोगों को किसी भी लोकली मार्केट से भी मिल जाएगी। daraz.pk पे जस्ट 999 की डिलीवरी मिला के 1000 समथिंग की बन जाती है, ठीक है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट, तो रिजल्ट वाकई ही ऑसम रिजल्ट है। मैंने 2 बार ट्राई की है और दोनों बार यार मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। आपकी स्किन को एकदम से एक ग्लो सा और एकदम से वो एक फेयरनेस वाली वो चीज़ दे देता है, ठीक है। लेकिन इसकी वही बात है कि आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी होता है कि कौन सी प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे बनी है। तो अब पाकिस्तानी अगर ये प्रोडक्ट होती तो भी इनको लिखना चाहिए था, लेकिन पैकेजिंग से लगता है कि पाकिस्तान की मेड है, बाहर की कहीं की भी नहीं है, और मतलब चाइना की भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की लगती है क्योंकि पैकेजिंग से अंदाज़ा हो जाता है। पर ऑब्वियसली अगर ग्लैमर ग्लो वाले कहीं मुझे कभी कोई वीडियो में ये वाली वीडियो उन तक पहुंच जाए तो उन लोगों को चाहिए कि एक्सपायरी डेट लास्ट में मेंशन करें। ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो मस्ट ट्राई करो, रिकमेंडेड है। इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और ईजिली घर में आप लोग अपना फेशियल कर सकते हो, इस पर किसी भी ओकेजन पर जाने के लिए फेशियल करो और ये बाकी ही आपको एकदम से ग्लो दे देती है। इसकी ब्लीच बहुत अच्छी है, ठीक है जी। आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।